राइट में जो देश के प्रति बात करते हैं, जो देश भक्ति के बारे में बात करते हैं, जो भक्त बना देते हैं, क्या इनकी गेम समझ में आ गई है? जब गेम इतनी ऑब्वियस हो तो फिर उसको इसके बारे में बात करना जरूरी है? शहीद की बेटी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो जो उसी से पूरा मामला बना उसके बना? देखिए, जो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी ने कहा है, कोई भी नहीं चाहता वॉर हो, उस मामले में तो सही कहा। मैं इतना कह रहा हूँ कि वॉर तो नहीं होना चाहिए। अब जो सिपाही सड़क पर खड़ा होता है वो गोली खाने के लिए थोड़ा खड़ा होता है, देश को बचाने के लिए खड़ा होता है, देश की आन बान शान बचाने के लिए खड़ा होता है। और वॉर तो कोई नहीं चाहता, कोई मुल्क थोड़ा चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पिताजी वॉर में जाएँ, हम चाहते हैं कोई वॉर, हम पड़ोसी से वॉर नहीं चाहते। तो ये है, पर उसके उनके इस मुद्दे को पॉलिटिकल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। वही चेहरे जो हर इस तरह का मुद्दा पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, उनके बयान को पॉलिटिकल माइलेज दी जा रही है। जब पॉलिटिकल माइलेज कोई लेता है तो दूसरे लोग भी, उनको भी हक बनता है कि वो अपने मन की बात करें। तो कुछ चेहरे को तो आप भी जानते हैं?